कि बृहस्पति की दृष्टि में उनकी तुलना हम फायर ब्रिगेड से करते हैं, और फायर ब्रिगेड से करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि फायर ब्रिगेड से करने का एक ही मतलब होता है कि जो इनकी दृष्टि है ना, ये फायर ब्रिगेड क्या करता है, आग बुझाता है, आग बुझाता है ना, उसी तरह से ये जहां देखते हैं वहां की जो नेगेटिविटीज है उसको शांत करते हैं। तो ये अपनी दृष्टि के अनुसार ही अपने काम को लेके चलते हैं। पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि इनकी शास्त्रों में मान्य है। और सिंह राशि पे अगर आप चलते हैं तो सिंह राशि कहाँ आएगी, अब ये देखना जरूरी है। अब सिंह राशि कहाँ आ गई भैया, मकर, तो सिंह राशि आ गई छठे भाव में, है ना। यानी सिंह राशि से अगर हम देखें तो सिंह राशि से ये छठे भाव में आ गए। सिंह राशि जिनकी है वहां से अगर हम देखें तो क्या होगा, छठे भाव में आ गए। और छठे भाव में जो जाएंगे ना, तो ये क्या है, ये छठे भाव यानी सीधी सीधी बात ये आती है कि अब आपको यह बात देना, ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी निर्णय जो है जीवन का, कोई भी निर्णय, किसी प्रकार का निर्णय सोच समझ के लेने की जरूरत है। हो सकता है आप अपने काम को भी बदलना चाहें, जो भी आपका काम धाम हो उसे बदलना चाहें। हो सकता है आपके ननिहाल पक्ष में कुछ समस्याओं का वातावरण बन जाए। तो सिंह राशि के लिए ये देखने की जरूरत है कि सिंह राशि वालों के लिए भी ये हिसाब किताब जो है बड़ा मिला जुला हिसाब किताब रखेगा, यह जान लीजिए। इसी तरह से मकर में गुरु है तो आप सिंह के बाद कन्या पे आ जाइए, तो कन्या राशि, मकर में गुरु है तो कन्या राशि। अब कन्या राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो गुरु जो है कन्या, कन्या राशि यानी बुध का घर, तो मकर को मुझे समझने की जरूरत है, मकर की वजह से कन्या को समझ। अब मकर में गुरु भाई, अब कन्या राशि जिसकी होगी, सीधी बात है कि कन्या राशि का मतलब हो गया कि अब वहां से मकर कहां आया, पंचम भाव में आया, पंचम भाव में। और पंचम भाव का मतलब क्या हो गया, पंचम भाव का मतलब क्या हो गया, पंचम भाव का मतलब सीधे सीधे हो गया कि यह पांचवी भाव यानी यहां पर आपके एजुकेशन की बात करता है, आपके संतान की बात करता है, आपके कुछ नई कुल मिलाकर के आपके जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप व्यवसाय से संबंधित, चाहे इससे संबंधित अपने करियर से संबंधित, इन तैयारियों में एजुकेशन में कंटिन्यू चलेगा। और जिनके संतान वगैरह हैं, इन संतान के प्रति थोड़ी सी निरस्ता आ सकती है, निरस्ता बन सकती है। और जो लोग कार्य क्षेत्र में पहले से हैं उनको कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है, ठीक है। अब मकर से तुला कहाँ आएगा, मकर में बैठे हैं तो तुला राशि, अब तुला राशि से आप देखिए मकर कहाँ चला जाएगा, तो तुला राशि से मकर कहां गया इसको देखेंगे तो ये चौथा भाव आएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर चौथा भाव में अगर आते हैं गुरु, तो अक्सर देखा गया है कि ये कुछ घर परिवार में कुछ अच्छे मांगलिक कार्यक्रम भी कराते हैं, साथ में घर में कुछ खरीद फरोख्त होती है, जिसको व्यवसाय कहते हैं ना, कि कुछ गाड़ी घोड़ा आ गया, कुछ मकान दुकान बन गए, कुछ जमीन आ गई, बिक गई, कुछ भी हो गया, तो इस तरह से चौथे भाव में करते तो हैं, लेकिन कुछ घर में अशांति कर देते हैं। ये तुला राशि की सबसे बड़ी गुण है, घर में अशांति का भाव ला देते हैं। यह बात है, कोई ना कोई समस्या आ जाएगी, आपसी मतभेद हो जाएगा, ठीक है। और यह बात तय है कि अगर आप कुछ खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी वगैरह, तो उसमें इसके क्रिया को बढ़ाएंगे, अब सितंबर के अंदर ये कुछ इस क्रिया प्रणाली को आपको आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ा करके गाड़ी घोड़ा ये सब चीजें को कर सकते हैं, ठीक है। अब कौन आया, मकर, वृश्चिक, तो वृश्चिक में देखिए, वृश्चिक आपके तीसरे आ गए, तो अच्छा है, तीसरे तीसरे गुरु अगर आपके बैठे हैं तो ये जरूर है कि तीसरे गुरु बैठने से थोड़ा सा जो तनाव है ना, वो जीवन के तनाव को थोड़ा कम तो जरूर करते हैं। और तीसरे बैठे हैं, है ना, गुरु अगर वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो क्या होगा,
तीसरे बैठ गए, और तीसरे बैठे गुरु ना, तो तीसरे बैठ करके सीधे सीधे नवमी दृष्टि से आपके भाग्य को देख रहे हैं, और साथ में है ना 3 4 5 6 3 4 5 6 7 यानी कि आपके सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। ठीक है, तीसरे बैठ के आपके सप्तम भाव को पांचवी दृष्टि देख रहे हैं, फिर नवम भाव को सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं, और एकादश भाव को यानी इनकम भाव को नवमी दृष्टि से देख रहे हैं। तो तीसरे बैठे तो अच्छा ही अच्छा है बहुत, कुल मिलाकर के आपके तनाव को कम करेंगे, मैंने आपको बताया तनाव को कम करेंगे, और आपका ये जो भी व्यवसाय का कार्य है, जो भी आपके जो है आपका भाग्य साथ दे रहा है, आपके इनकम में बढ़ोतरी हो रही है, और क्या चाहिए भैया, आज के इस प्रतिकूल परिस्थिति में अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो ये हम समझते हैं कि बेहतर ही है, अच्छा ही है। अब आता है धनुराशि। धनुराशि में देखिए कहां चले जाएगा, धनुराशि मतलब आपके धनुराशि यानी आपके धन भाव में आके बैठ गए, तो थोड़ा सा देखो बैठने पे तो नुकसान करेंगे ना धन भाव को, और वहां आपका परिवार भी है ये नहीं भूलना चाहिए, यानी जिसको धन कुटुंब वाणी, आपकी जबान भी जबान तो के लिए गुरु अच्छे होंगे, लेकिन कुटुंब में थोड़ा सा किसी के स्वास्थ्य वास्थ्य के ये करेंगे। लेकिन एक बात तय है, ये भी तय है कि धन भाव में बैठेंगे ना तो आपकी समस्याओं के समाधान को भी ये लेके चलेंगे गुरु बृहस्पति। धन भाव में बैठ के आपकी समस्याओं के समाधान, आपकी वित्तीय स्थिति को बड़ा ही खींच तान के ठीक ठाक रख देते हैं, ठीक ठाक कर देते हैं, कुल मिलाकर के जो भी लेन देन है उसको बराबर कर देते हैं, और आपकी दाहिनी आंख भी है ये, और ये मत भूलिए कि अब दाहिनी आंख है तो थोड़ा सा दाहिनी आंख के भी प्रभाव को थोड़ा सा स्लाइटली गड़बड़ भी कर सकते हैं या दाहिनी तरफ दर्द दे सकते हैं, तो ये है गुरु का। तो कुल मिला के धनु राशि वालों के लिए ये हम कह सकते हैं कि आप धनु राशि में यह जान लीजिए कि अगर आप किसी कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो वहां आपका अधिकारी आप पर मेहरबान होगा, आपके वित्तीय स्थिति अपेक्षाकृत ठीक ठाक रहेगी, ठीक ठाक रहेगी। एक चीज बहुत नुकसान करती है, वो है अहंकार, इससे बच के रहिए, अहम ब्रह्मास्त्र वाला हिसाब न चलाइएगा, बस इसका ध्यान रखिएगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा और बेहतर ही बेहतर होगा। अब धनु के बाद मकर आएगा और मकर पे गुरु बैठे, तो यह जरूर है कि अब जिनकी मकर राशि है उनके लिए थोड़ी दिक्कत की बात है, वहां गुरु भी बैठे हैं, ये जो आलस्यता आ गई है ना आपके अंदर, इसे कम कीजिए, आलस्यता को त्यागिए, स्वास्थ्य को ध्यान रखिए, स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, बाकी यह चिंता न करिए, जरा सी मेहनत करेंगे तो आपको भी सफलता मिलने में कोई भी बड़ी बात नहीं है, निकाल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बशर्ते ईश्वर सद्बुद्धि दे, क्योंकि मकर राशि वालों की 7:30 भी चल रही है, धनु की भी आखिरी थी, ऐसा नहीं है, धनु राशि वालों की भी आखिरी रैया है, तो मकर की जो है ये जो शनि का कुप्रभाव है, तो धनु मकर और कुंभ ये तीन को अगर हम ध्यान में लेके चले तो इनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने परिवार के प्रति, सेंसिटिव मामला बना हुआ है, यह बात आपको ध्यान देके चलनी है। तो कुल मिला के आप अपने सेहत पर भी फोकस कीजिए, सेहत आपकी थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। कुंभ राशि अभी मैंने बताया कि कुंभ राशि पे भी शनि का प्रभाव है, क्योंकि मकर शनि है, तो कुंभ राशि पे शनि का प्रभाव, यानी कुंभ राशि पे शनि के प्रभाव में ये देखा जाए तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि कुंभ राशि का मतलब आपके करियर में अच्छा परिणाम आने का
पूरा उम्मीद है, लेकिन इसके साथ बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, कर्म आपको करना होगा। और जैसे मैंने कहा आलस्यता वाली बात, वो आलस्यता आपके अंदर भी आ चुकी है, इसे दूर कीजिए। और शादी हो गई है ना, शादीशुदा हैं, तो परिवार के जो आपका दाम्पत्य जीवन है उनको थोड़ा बैलेंस बना के चलिए, ये जो डिस्टरबेंस है। और यह बात अगर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए करियर में भी सफलता अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर के बाद मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मीन राशि वालों के लिए अगर हम देखें तो मीन राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा गुरु की वजह से तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, स्थिरता है, ठीक ठाक है ना। यानी कि आप अगर व्यापार जगत में हैं तो व्यापार जगत में आपको फायदा हो सकता है, हो सकता है कोई ना कोई ऑर्डर वगैरह मिलने के लिए आने वाला है, या जो आया था वो आप करने वाले हैं, उससे फायदा मिलने वाला है। तो मीन राशि वालों के लिए अच्छा है, क्योंकि गुरु धनु और मीन दो ही के मालिक हैं, और ऐसे भी मीन राशि के लिए ठीक ठाक हिसाब किताब बना रहे हैं। तो भैया आपसे मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यह तो आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में एक आध चीज बहुत छोटी सी बात बताई, एक समुंदर आपका जीवन है तो एक कण बता दिया मैंने गुरु के परिवर्तन से, लेकिन वाकई जान लीजिए गुरु के परिवर्तन से बहुत कुछ अच्छा और बहुत कुछ बुरा होने वाला है। भैया ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का, अपने घर का, इन सब चीजों का ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, मैं बार बार बोलूंगा। और इस प्राकृतिक आपदा से बचने का, इस कर्ज से बचने का, ये जो तमाम तरह की चीजें आई हैं, नकारात्मक चीजें जिसे आप कहते हैं, ये COVID-19 अभी इसी में है, अभी तो ये डर लग रहा है कहीं प्राकृतिक आपदाओं में ये सब सुनामी और भूकंप और ये सब चीजें जो हैं अचानक बेमौसम बरसात जिसको कहते हैं, ये सब चीजें भी आ सकती है। तो भैया सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।